ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत पाकिस्तान युद्ध के 54 वर्ष पूरे होने पर पूर्व कल्याण समिति ने बिलासपुर के युद्ध स्मारक पर राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पूर्व सैनिक निगम के प्रबंध निदेशक एवं कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने युद्ध स्मारक पर इस युद्ध में शहीद हुए 130 सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी तथा 2 मिनट का मौन रखा। भारत पाकिस्तान युद्ध के 54 वर्ष पूरे होने पर पूर्व कल्याण समिति ने बिलासपुर के युद्ध स्मारक पर राज्य स्तरीय वीर सैनिक सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में पूर्व सैनिक निगम के प्रबंध निदेशक एवं कारगिल हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने युद्ध स्मारक पर इस युद्ध में शहीद हुए 130 सैनिकों को पुष्प चक्र अर्पित करके श्रद्धांजलि दी तथा 2 मिनट का मौन रखा। उसके उपरांत उन्होंने बताया कि वर्ष 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था। इस युद्ध विजय के 54 वर्ष पूरे होने पर हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण समिति के बैनर तले पूर्व सैनिकों ने मनाया। इस समारोह में 67 आर्म्ड रेजिमेंट अमृतसर के जवानों ने भी शिरकत कर युद्ध शहीदों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि के पश्चात भाषा एवं संस्कृति विभाग भवन के हॉल में 1965 के इस युद्ध में शहीद हुए हिमाचल प्रदेश के वीर जवानों की विधवाओं अर्थात वीर नारियों को सम्मानित भी किया गया। तत्पश्चात भाषा एवं संस्कृति विभाग सभागार में आयोजित वीर नारी सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथियों को समिति के प्रदेशाध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने स्मृति चिन्ह भेंट कर उनका अभिनंदन व स्वागत किया। इस युद्ध में भारत के 3000 सैनिकों ने शहादत का जाम पिया था, जिनमें बिलासपुर जिला के 31 वीर सपूतों सहित पूरे प्रदेश के 165 रणबांकुरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर सीमाओं की रक्षा की थी। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज हम जो 54th जो वर्षगांठ है 1965 की लड़ाई की, आज राज्य स्तर पर पूर्व सैनिक कल्याण समिति जो है आज बिलासपुर में बना रही है, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बहुत सारे लोग इस लड़ाई को भूल चुके हैं, हमारे उन रणबांकुरों को भूल चुके हैं। हमारा मकसद यही है कि आज हम उनको नमन करते हैं, उन योद्धाओं को, उन रणबांकुरों को, उन वीरों को, जिसकी वजह से आज हम सुरक्षित हैं। हम उनके परिवारों को याद करते हैं और उनको श्रद्धांजलि देते हैं। यही एक मुख्य मकसद है। दूसरा मकसद यही है कि जो आने वाली पीढ़ी है वो भी यही जाने कि भाई किस तरह से खास करके हिमाचल जो एक वीर भूमि मानी जाती है, यहाँ के तकरीबन 200 वीर योद्धाओं ने अपनी जीवन की जो आहुति है वो दी है, और बिलासपुर के 22 योद्धाओं ने ये बलिदान दिया है। तो आज केवल यही है कि हम उस वीरता को, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनको त्याग करें, और हर हिमाचलवासी के मन में ये देशभक्ति की जो आवाज है या प्रेरणा जो है वो जगा सके। सर, आपको कारगिल हीरो के नाम से जाना जाता है, तो जम्मू और कश्मीर में शांति प्रक्रिया के बारे में हम क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बहुत अच्छी पहल हुई है। जैसे आपने देखा कि बालाकोट हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, 370 हटा, तो हालात वहां पे नॉर्मल होते जा रहे हैं पूरी सरकार की मदद से, प्रशासन की मदद से, सेना की मदद से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ ही चंद ही दिनों में या कुछ चंद ही महीनों में वहाँ के जो हालात है सामान्य होंगे, और हर एक जो वहाँ का कश्मीरी हमारा भाई है वो जो मेन प्रवाह है देश का उसमें शामिल होगा। पीओके के बारे में क्या विचार है सर आपका? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, इसमें दो राय नहीं है, हमेशा भारत का हम मानते हैं अटूट हिस्सा रहा है, और इसमें दो राय नहीं है कि वो देर सवेर जो है भारतवर्ष जो है वो उसका हकदार है, क्योंकि कभी तक भी वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं रहा है। तो हमें लगता है कि देर सवेर जो है वो हिंदुस्तान को उसको अपने उसमें लेना पड़ेगा।